एरोप्लेन साइकिल की स्पीड कितनी है? साइकिल से एरोप्लेन तो चला सकते हैं। ये साइकिल है और ये एरोप्लेन हो गया, यानी के यार तो ये हो गया। और यहाँ अपने सामने यामा MT-15 और इसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन ऐसी है जो आप देख चुके हो, बट इसमें थोड़ा सा कुछ नया काम करा है। राजीव भाई इग्निशन ऑन करो इसका। तो देखो ये जो यामा MT-15 की यहाँ पर आपको ब्रांड नहीं दिख रही है और जो DRS दिख रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बट यहाँ पर आइज में ये अपनी तरफ से फर्स्ट काम है अपनी शॉप पर और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और क्या है इसका जो है फीचर थोड़ा यहाँ बताओ। फीचर्स आपका सारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर दी गई है। आपने ज़्यादातर वीडियोज़ वगैरह देखी होगी हमारी, नहीं अदर लोगों की, जिसमें आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर दिया होगा। हमने ये तो दिया ही है, इसके साथ में आपको ये भी दे दिया। ये हमारा एक लेटेस्ट और शायद ही यूट्यूब पर हमारा फर्स्ट होगा। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे तो हमें पता कोई कर नहीं सकता, लेकिन जो हमने करा है वो हमने डिफरेंट करा। एक बार दिखाना भैया फ़ोन। सो दोस्तों पिछली बार मैंने आपको दिखाया था डिटेल में कि इसे कैसे कंट्रोल करते हैं, तो फाइनली इसमें जब आप इसको लगवा दो तो उसमें प्रॉपर इसका एक पेपर आता है जिसको आप इसमें इंस्टॉल करके और फिर इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये है इसकी ब्राइटनेस। पहले मैं इसको एक कलर पर सेट कर देता हूँ, ग्रीन पे। तो ये इसकी ब्राइटनेस से हम कम कर सकते हैं, देखो बिल्कुल ही कम हो गई है। और इसमें मोड्स आप देख सकते हो, ये पहले मोड्स इसके जो है हम कर लेते हैं इस पे वन पे। तो यहाँ से आप देखते हो रेड है और ये इसकी ब्राइटनेस देखो गाइस, ये मैंने कर दी इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल लो। ये देखो ये ब्राइटनेस की बिल्कुल ही कम हो चुकी है और जैसे जैसे आप चाहो इसकी बढ़ा सकते हो, ये फुल हो गई। और ये है इस पे आप देख सकते हो इसमें लोगो है और ये है इसकी स्पीड, इसको आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। स्पीड कैसे, ये है इसके मोड्स, ये मैंने मोड 2 पे करा तो ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसकी स्पीड को आप स्लो भी ले सकते हो इस तरीके से अगर आपको इतना पसंद है, और आपको और स्लो करना है तो और स्लो कर सकते हो। एरोप्लेन ये देख लो, ये एरोप्लेन साइकिल की स्पीड कितनी है? साइकिल से एरोप्लेन तो चला सकते हो। ये साइकिल है और ये एरोप्लेन हो गया, यानी कि यार तो ये हो गया। और इसमें देखो मोड पर दिखाता हूँ आपको, ये मोड 1 मोड 2 3 4 यहाँ से देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 मोड्स, 20 तरीके के इसमें डिज़ाइन है। और इसके अलावा इसमें कलर, यहाँ देखो आप ये पूरा इसमें शेड कार्ड दे रखा है इन्होंने, जिस कलर पे आप चाहो इसको शेड कर सकते हो। तो ये तो हो गया वाइजर का। अब आप आइज़ देख सकते हो, और जो आइज़ हैं वो आइज़ अभी तक आपने देखा होगा लोग ग्राफिक करवाते हैं, आइज़ बनवाते हैं, तो ये काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें चेंज ही करते रहना भाई, ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो कोई सेट भी कर सकते हो, यानी कि लाइक आपको रेड सेट करना है तो रेड कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ब्लू सेट करता हूँ, ब्लू काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा है तो ब्लू भी कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद है और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसके DRLs का। और इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो उसमें लगा रखे हैं एडजस्टल वाले क्लच एंड लीवर, जो कि गोल्डन कलर के लिए गए हैं, लाइक जबकि फ्रंट के जो शॉकर हैं इससे काफ़ी हद तक मैच होते हैं। बाकी आप चाहो तो कोई और कलर भी ले सकते हो, और इसको आप स्विच कर सकते हो अपनी फिंगर की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो यहाँ भी मोड्स दे रखे हैं एक तरीके से 1 2 3 4 5 6, तो ये कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो आप। साथ ही में यहाँ पर LED बल्ब और हैजार्ड LED बल्ब आप देख सकते हो 4 लगाए गए, यानी कि 2 आगे और 2 पीछे। इसका फोकस ब्राइटनेस अगर नॉर्मल इंडिकेटर दोगे तो कुछ इस तरीके से, और हैजार्ड को एक्टिवेट करोगे तो इस तरफ से दिखाओ। ये वाला जो स्विच है आपका नॉर्मल इंडिकेटर देने वाला है, इसको आपने लेफ्ट राइट व्यू से प्रेस करना है, वो भी फास्ट फास्ट, तो कुछ इस तरीके से इसके जो पैटर्न है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ ही में इसमें लगाए जा रहे हैं ये दो गोल्डन कलर के हैवी क्वालिटी के स्लाइडर। ये कहाँ लगेंगे राजू दिखाना। और इसका जो यूज़ होता है दोस्तों आपको पता ही है कि कभी बाइक गिर जाती है, और गिर ही जाती है जब आप राइड कर रहे होते हो, कभी ऐसे ना गिरे तो अच्छा है। तो उस केस में ये काफ़ी सेफ्टी करते हैं ऑल ओवर कॉन्सेप्ट, यानी कि जो ये है आपका जो है इंजन हो गया, आपके टैंक हो गए, लैक्स हो गए, और लुक जो है वो तो आपके सामने है। बाकी आप चाहो तो फुल बॉडी क्रैच गार्ड लगा सकते हो, क्योंकि ये 100% नहीं है, कुछ परसेंट है। 100% सेफ्टी वाले क्रैच गार्ड आते हैं वो आपने देखे होंगे, अपनी जब पूरी एक फेयरिंग की तरह लग जाते हैं। तो दिखाना राजू भाई अगर अपना पड़ा हो तो जी ये है फुल प्रोटेक्शन वाले क्रैश गार्ड, ये देख जो कि कुछ इस तरीके से लग जाते हैं, या उस साइड का होगा या इस साइड का, उस साइड से दिखा दो एक बार। ये सारी मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए, कौन सा आपको यूज़ है। काफ़ी लोगों को इसका लुक पसंद नहीं आता, लेकिन भाई ये लुक वाली बात ही नहीं, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि लगवा का नहीं लगवा का। और इसके ऊपर से आप चाहो तो स्लाइडर लग जाएगा, वो स्लाइडर ये वाला नहीं होगा, छोटे वाले होते हैं, यानी कि ये नहीं लगाना होता, सिर्फ ये ऐसे लगेगा छोटा सा, बस सिर्फ ये चीज़ देखेगा जो ब्लैक पार्ट है इसका। तो ये था
बाकी इससे ज़्यादा भी मॉडिफिकेशन की वीडियो आपको मिलेंगी अपने चैनल पर, दोनों पर, इंडियन होटल और SKD बाइक वर्ल्ड पर। और कुछ है राजू भाई, डिटेल वगैरह या एड्रेस वगैरह या कुछ? उस पर लिखा होगा बोर्ड पे सिर्फ SKD, ओनली फॉर SKD। तो यही सब है, बाकी डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्कशन में डाल रहा हूँ। दोनों भाई से बात कर सकते हो अपने, राजू भाई से भी और विनोद भाई से भी।